हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी, वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों को एक नई अपडेट देने वाला हूँ। नई अपडेट का मतलब है कि अपडेट नहीं है ये, सरकार के लिए मतलब गला घोटने वाला काम है। इस बात से तो सरकार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अब दोस्तों सब कुछ घेरे में आ चुका है, तो जल्दी जल्दी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिनको भी लगता है ना कि ये यूट्यूब पे हम आप लोगों को जो बताते हैं वो क्या है कैसे है, तो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। बस आप एक बार वीडियो को शुरू होने दो, जिस जिसको डाउट है सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अब इससे दोस्तों मैं रिलेट करके सारी बातें आपको समझाना शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो 14 प्रश्नों को डिलीट करने के आदेश का मामला दोस्तों अब गर्म हो गया है। इस आदेश से दोस्तों बहुत बड़ी मतलब खलबली बच चुकी है। खलबली का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा कुछ हो गया है जो कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। कैसे फ़ायदा होगा, चलिए एक एक बात समझते हैं। अगर आपको पता था दोस्तों, जैसे कि UPTET हुआ था 2017 वालों का, उसमें दोस्तों 16 क्वेश्चन गलत हुए थे। 16 में से 3 पे कॉमन नंबर दे दिया गया, फिर 13 क्वेश्चन रह गई। 13 में से फिर दोबारा दोस्तों 14 हो गए। 14 क्वेश्चनों पर दोस्तों कोर्ट का आदेश आ चुका है, अध्यादेश आया कि जो 14 क्वेश्चन है उनको डिलीट करके दोबारा से मेरिट बनाई जाए। दोबारा से मेरिट बनेगी तो जो लोग दोस्तों नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की नौकरी भी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, अगर 14 क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा तो। डिलीट करने का दोस्तों आदेश आ चुका है। अगर दोबारा से मेरिट बनती है 2 जनवरी को दोस्तों इसकी सुनवाई है। अगर दोस्तों इन 14 क्वेश्चनों को डिलीट किया जाएगा तो सीधी की सीधी बात आ जाएगी दोस्तों, जो अभी UPTET 2018 हुआ है उन लोगों ने भी दोस्तों इसी बात को गर्म कर दिया है कि अगर 2016 वाले क्वेश्चनों को, 2017 वालों के जो क्वेश्चन है उनको डिलीट किया जाएगा तो ऐसा 2018 में क्यों नहीं होगा। अगर दोस्तों 2018 वाले में तो डिलीट किया जाएगा तो कहने का मतलब है कि 136 पे दोबारा से मेरिट बनेगी, बिकॉज यहाँ भी आपको पता है कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चनों पे कॉमन नंबर मिला है तो 14 में से 11 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात से अब जो दोस्तों जो कोर्ट का फैसला उस पर आया 2 तारीख को, इस पर एक आखिरी सुनवाई है 2017 वालों की, और दोस्तों फिर आपको पता है कि रिट लगी हुई डबल बेंच में हमारी भी लगी 2018 वालों की। तो इस पर लेकर के दोस्तों सरकार और PNP दोस्तों अब जवाब दे ही नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं दे पाए हैं, बिकॉज अब दोनों चीज़ें दोस्तों एक साथ आ चुकी हैं उनके सामने। या तो दोस्तों वो 14 क्वेश्चन को उनको डिलीट करेंगे, उनको डिलीट करने से कहने का मतलब है काफ़ी लोगों की नौकरी जाएगी। तो कहने का कहीं ना कहीं सीधा मतलब आपको मैं समझा देता हूँ कि इस जो स्थिति में दोस्तों सरकार जहाँ फंस चुकी है ना, जो जल्दी जल्दी कराने के चक्करों में, अब ये पूरी तरह से दोस्तों अब इनके सामने जो है इनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। और जो दोस्तों जो 2018 का UPTET हुआ है वो भी दोस्तों मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। गर्म इसलिए हो गया है क्योंकि 2017 में इन्होंने 14 क्वेश्चनों को डिलीट करने का आदेश दिया है। तो अब स्टूडेंट मांग उठा रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन 2018 में गलत हुए हैं उनको भी डिलीट किया जाए। उनको डिलीट करेंगे तो मेरिट दोबारा से बनाओ, मेरिट बनाओ फिर उस आधार पर दोस्तों सुपर टेट के फॉर्म भरवाओ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 6 जनवरी को जो होने वाला पेपर इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपलोड करने की बात तो इन्होंने कह दी कि एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन जब 2 तारीख को जो आने वाला है कोर्ट का फैसला, वो कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार अब क्या जवाब देती है, क्या इसके बारे में क्या रखेगी अपनी राय, बिकॉज दोस्तों कहीं भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया ना। अगर 14 क्वेश्चनों को गलत कर देंगे, अगर डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद जो मेरिट बनेगी तो 2017 वाले काफ़ी अभ्यर्थी जो नए जुड़ जाएंगे, पुराने तो जो होंगे कुछ की नौकरी चली जाएगी कुछ हट जाएंगे, लेकिन नए अभ्यर्थी आ जाएंगे। अब जो नए अभ्यर्थी आएंगे वो भी कहेंगे हमें सुपर टेट 2019 में शामिल किया जाए, तो उनके लिए दोस्तों क्या किया जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों अब सरकार और PNP के पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको सिंपली, पहले भी ये ऐसा ही हुआ था, तो पहले जो आपको पता है मार्च का पेपर मई में जा कर के हुआ था, तो ये वाला पेपर इस बार खिसकेगा और खिसकने के पूरे चांसेस हैं। 2 तारीख को क्या होने वाला है उस पर सारी निगाहें हैं। 2017 का भी दोस्तों सुनवाई होने वाली है और डबल बेंच में भी रिट लगी हुई है 2018 को लेकर, और CTET में दोस्तों आपको पता है लखनऊ बेंच में रिट लगी हुई है। तो कहने का मतलब है ये 3 पॉइंट मैंने आपको कल भी बताए थे, कल भी दोस्तों बात कुछ और थी, आज जो 14 क्वेश्चनों वाली बात है वो कुछ और है। तीनों बातों को लेकर के अगर मैंने आपको जब पूरे समझा दिया है, और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जल्दी जल्दी आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार 2 जनवरी आ जाने दो, ये सरकार और PNP तो ऐसे लाइन पर आ जाएंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत खिलवाड़ कर लिया स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ में, बहुत लोगों का दोस्तों भविष्य खराब कर दिया है। लेकिन अब ऐसा हम नहीं होने देंगे, अब ये दोस्तों अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। कोई भी दोस्तों ये कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको खुद ही नुकसान हो रहा है और जवाब भी इनके पास नहीं है।
सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी भी आप लोगों के पास कोई डाउट है, कोई क्वारी है, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में करें और लिखें, उसके बाद में आपकी डाउट होगा, क्वेरी होगा, उसको जरूर आंसर करूंगा। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।